एक बहुत अमीर सेठ थे जिनकी संपत्ति और ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं थी। एक दिन वे बैठे थे कि भागती भागती नौकरानी उनके पास आई और कहने लगी, सेठ जी वह 9 लाख रुपए वाला हार गुम हो गया। सेठ जी बोले, अच्छा हुआ, भला हुआ। उस समय सेठ जी के पास उनका रिश्तेदार बैठा था। उसने सोचा, बड़ा बेपरवाह है, आधा घंटा बीता होगा कि नौकरानी फिर आई, सेठ जी वह हार मिल गया। सेठ जी कहते हैं, अच्छा हुआ, भला हुआ। वह रिश्तेदार प्रश्न करता है, सेठ जी जब 9 लाख का हार चला गया तब भी आपने कहा कि अच्छा हुआ भला हुआ, और जब मिल गया तब भी आप कह रहे हैं अच्छा हुआ भला हुआ, ऐसा क्यों? सेठ जी, एक तो हार चला गया और ऊपर से क्या अपनी शांति भी चली जानी चाहिए? नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ भला हुआ। एक दिन सब कुछ अंत समय में एकदम में छोड़ना पड़ेगा तो बड़ी मुसीबत होगी, इसीलिए दान पुण्य करो ताकि छोड़ने की आदत पड़े तो मरने के बाद इन चीजों का आकर्षण न रहे और भगवान की प्रीति मिल जाए। दान से अनेकों लाभ होते हैं, धन तो शुद्ध होता ही है, पुण्य वृद्धि भी होती है और छोड़ने की भी आदत बन जाती है। छोड़ते छोड़ते ऐसी आदत हो जाती है कि एक दिन जब सब कुछ छोड़ना है तो उसमें अधिक परेशानी न हो, ऐसा ज्ञान मिल जाता है जो दुखों से रक्षा करता है। रिश्तेदार फिर पूछता है, लेकिन जब हार मिल गया तब आपने अच्छा हुआ भला हुआ क्यों कहा? सेठ जी, नौकरानी खुश थी, सेठानी खुश थी, उसकी सहेलियां खुश थी, इतने सारे लोग खुश हो रहे थे, तो अच्छा है भला है, मैं क्यों दुखी हूँ? वस्तुएं आ जाएं या चली जाएं, लेकिन मैं अपने दिल को क्यों दुखी करूं? मैं तो ये जानता हूं कि जो भी होता है अच्छे के लिए भले के लिए होता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है, होगा जो अच्छा ही होगा, यह नियम सच्चा ही है। मेरे पास मेरे सदगुरु का ऐसा ज्ञान है, इसलिए मैं बाहर का सेठ नहीं हृदय का भी सेठ हूँ। जिस आदमी का हृदय सेठ माना जाता है वह दुख में दुखी नहीं होता और सुख में अहंकारी एवं लंपट नहीं होता। जब मौत उसके दरवाजे पर दस्तक देती है तो भी उसे यह अनुभव होता है कि उसकी मृत्यु नहीं होती। मान अपमान के अनुभवों को वह अस्थाई और दिखावटी समझता है, क्योंकि सच्चाई केवल परमात्मा में है। जिसकी समझ ऐसी होती है वह बड़ा सेठ और महात्मा कहलाता है और उसके भीतर ज्ञान का दीपक जगमगा रहा होता है। संसार में जितने भी दुख और परेशानियां हैं उनके मूल में बेवकूफी भरी होती है। सत्संग से वह बेवकूफी कटती और हटती जाती है और एक दिन वह आदमी पूरा ज्ञानी हो जाता है। अर्जुन को जब पूर्ण ज्ञान मिला तभी वह पूर्ण संतुष्ट हुआ। अपने जीवन में भी वही लक्ष्य होना चाहिए जहां ज्ञान और संतोष का अनुभव हो। इस ज्ञान और संतोष की प्राप्ति के लिए निरंतर साधना और आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। जब मनुष्य आत्मा की गहराई में जाकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तब वह सच्चे सुख का अनुभव करता है।